नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। राज्य सरकार चाहकर भी इस पर काबू नहीं पा रही है। ऐसे में अब राज्य में लॉकडाउन पर गंभीरता से विचार हो रही है। इसी को लेकर उद्धव सरकार ने एक कोविड टास्क फोर्स का गठन किया है, जो राज्य में लॉकडाउन को लेकर अनुशंसा की है। कोविड टास्क फोर्स ने स्वास्थ्य ढांचे के कमजोर होने को लेकर चिंता जताई है। टास्क फोर्स का कहना है कि अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है और ऑक्सीजन की आपूर्ति भी बहुत कम है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहे तनाव को भी कम करने का मत डॉक्टर ने व्यक्त किया है। रेमडेसिविर दवा की उपलब्धता का भी विषय प्रमुखता से रखा गया है। कोविड टास्क फोर्स की बैठक में सीएम 8 दिनों के लॉकडाउन के पक्ष में है। हालांकि टास्क फोर्स के कुछ सदस्यों का कहना है कि चेन ब्रेक करने के लिए 14 दिनों के कड़े लॉकडाउन की जरूरत है। आज तक से बात करते हुए टास्क फोर्स के एक सदस्य ने कहा कि लॉकडाउन समाधान नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से प्रदेश में लॉकडाउन लगने से आम आदमी की समस्याएं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना सेफ्टी नियम और ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण ही इस हालात से बाहर निकलने का रास्ता है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने की राशि बढ़ाए। भारी जुर्माना होने से लोग नियम तोड़ने से डरेंगे। स्टेशन और सभी सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को चेक किया जाए, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए, सोसाइटीज के अंदर जाकर डोर टू डोर लोगों को टीका लगाया जाए। लॉकडाउन अस्थाई उपाय है, इससे लोग निराश हो जाएंगे, इससे लोगों में गुस्सा होगा और फिर से वो वापस लौटेंगे। वहीं बीजेपी ने पहले ही पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने को लेकर शर्त रखी है कि प्रदेश सरकार जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराए, अन्यथा सरकार को लोगों के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।